नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 के एग्जाम का सवाल है क्वेश्चन से द एक्सोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लानट ए इज नाइन टाइम्स द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लानट बी अ मैन जम्प्स एट अ हाइट ऑफ टू मीटर ऑन द सर्फेस ऑफ ए वॉट इज द हाइट ऑफ जम्प बाय द सेम पर्सन ऑन द प्लानट बी हमारे ऑप्शन हैं टू बाय नाइन मीटर एटीन मीटर या फिर सिक्स मीटर या फिर टू बाय थ्री मीटर ना सिंपल सवाल है uh, सवाल इस प्रकार है कि यह आपका पर्सन यह आपका एक प्लानट ए है और ये आपका प्लैनेट बी है इस प्लानट बी पे आपका ग्रेविटी जो है वो लेट से जी बी है और प्लानट ए पे जी इज नाइन टाइम्स जो आपकी वहाँ पे ग्रेविटी है और यहाँ पे एक बंदा है जो प्लानट ए पे दो मीटर की हाइट तक जंप कर सकता है यही बंदा जब यहाँ पे जम्प करेगा तो उसकी हाइट कितनी होगी हमें ये बताना है ना Uh, यहाँ पे हम ये अज्यूम करेंगे और लो डेटा में दिया नहीं हुआ है बट सेफली हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उस बंदे की वेलोसिटी ऑफ जंप uh, विल बी सेम सो so, यहाँ पे सिंपल सा कानामेटिक्स का एक फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी सिमिलर सवाल आपसे डिफरेंट फॉर्मेट में ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा है ए प्लानट पर गेंद फेंक के दो मीटर तक फेंक सकता है बी प्लानेट पर कितनी ऊँची जाएगी उसकी गेंद ना नाइट सेम सवाल होएगा डिफरेंट फॉर्मेट ना लाइट Right. Uh, इसको अगर हम uh, दोनों हाइट को कंपेयर करें सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एच ए विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाय टू जी ए और इसको रिलेशन को हम यहाँ लिखें सो दिस विल बी यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी ए जी ए को हम रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई नाइन मल्टीप्लाइड बाई जी बी और एच बी को हम लिख सकते हैं जो यहाँ पर जम करेगा हाइट सो दैट विल बी यू स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस जी uh, बी अगर इन दोनों को हम पकड़ के डिवाइड कर दें तो हम कह सकते हैं कि एच बी डिवाइडेड बाई एच ए विल बी इक्वल टू पहले एच बी लिख लेते हैं सो दिस विल बी यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी बी मल्टीप्लाइड बाय अब इसको रेसिप्रोकल uh, प्रोकल्प उल्टा करके लिख देते हैं टू इन टू नाइन मल्टीप्लाईड बाय जी बी डिवाइड बाई यू स्क्वायर यू स्क्वायर जी बी और टू कैंसिल हो जाएगा यानी कि एच बी विल बी इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाइड बाई एच ए एच ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी दो मीटर दी हुई है सो दिस विल बी इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाइड बाई टू दैट विल बी इक्वल टू एटीन मीटर सो सिंपल सवाल बेस्ड ऑन दे साम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी एटीन मीटर वुड बी द राइट आंसर